हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्कस रसोई। आज मैं शेयर करूंगी मटन फैट पकोड़ा, यानी कि मटन का चर्बी से बना हुआ पकोड़ा का रेसिपी। झटपट बनने वाला इस क्रिस्पी क्रंची पकोड़ा बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चर्बी लेके ऐसे छोटा छोटा पीस में काट लिया। ये मैं कड़क चर्बी यूज कर रही हूँ, नरम हमें यूज नहीं करना। इसके साथ ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल के एक साथ में मिला लूंगी अच्छे से। सारे मसाला मिलाने के बाद इसे अभी ढक के 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने दूंगी। 15 मिनट के बाद अभी इसके साथ और कुछ चीज मिलाना है, जैसा कि 3 टी स्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन चिली यानी कि मिर्ची, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया। फिर इसके साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक बैटर बनाऊंगी, हमें थिक बैटर चाहिए। चावल का आटा के जगह पे आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं, बट चावल का आटा यूज करेंगे तो पकौड़ा जो है बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। पकौड़ा को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल गरम करके फ्लेम को एकदम लो कर दिया। फिर एक एक चर्बी का पीस के साथ थोड़ा सा बैटर लेके पकौड़ा का शेप दे दिया और ऑयल में ट्रांसफर कर रही हूँ। सारे चर्बी से पकौड़ा बना लिया। अभी गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रख के इसे फ्राई करना है। एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरा साइड पलट के अभी चारों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है। इस पकौड़ा इतना टेस्टी बनता है क्या, आप एक बार बना के खाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। आप इसे इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से खा सकते हैं और नहीं तो दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पकौड़ा को फ्राई करने के बाद बाहर का कोटिंग एकदम क्रिस्पी हो गया, हमें ऐसा ही चाहिए। ए टाइम पे अभी ऑयल से निकाल के एक किचन टावल के ऊपर ले लूंगी। अभी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। क्रिस्पी क्रंची चर्बी पकौड़ा खाने के लिए एकदम रेडी हो गया। इस टेस्टी टेस्टी पकौड़ा को आप एक बार घर पे ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। ऊपर से ब्लैक सॉल्ट डाल के और भी मजेदार बना रही हूँ इसको। एक तोड़ के दिखाती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, होप आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर्कस रसोई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।